सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जे फ्रॉम UK04। सो गाइस, कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। उसका रीज़न एक्चुअली ये था कि मेरा जो मोबाइल है गाइस वो बिल्कुल ख़राब हो गया। उसका रीज़न भी ये है कि मैंने, आपने देखा होगा कि होली में काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग करी थी, तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा था, और कई बार जब मेरे ऊपर कलर डाल लेते तो मैं भाग रहा था, तो कई चीज़ें तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाया क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। तो गाइज़, मेरी जो स्क्रीन थी वो पहले से तो टूटी थी, लेकिन होली के दिन एक दो बार गिर गया है फ़ोन और वो टूट गया सडनली। तो गाइज़, उससे ये हुआ कि कल मेरी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो बिल्कुल ब्लर हो गई, तो मैं कल का व्लॉग नहीं डाल पाया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आज से मैंने गाइज फिर से डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने फ़ोन जो है अपना पुराना वाला दोबारा से मैंने अपने पास रख लिया है। एक्चुअली मैंने रख दिया था उसे कि कभी काम आएगा, तो देखिए काम आ गया, तो अब मैंने इसको अपने पास रख लिया, इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो गाइज़, अभी हो चुके हैं मॉर्निंग के 8, तो मैं अभी जाता हूँ नीचे और पी लेता हूँ आंवले का जूस, क्योंकि गाइज़ मैं आंवले का जूस पी रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि उससे थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि सुबह सुबह यार जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर को किसी अच्छी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी जो हैबिट है चाय पीने की वो शायद थोड़ा सा गलत है, तो फिर मैंने उसको चेंज करके आंवले का जूस शुरू कर दिया है। तो मैं जाता हूँ गाइज़ अभी नीचे आंवले का जूस पी लेता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ आपसे नहा धो के बढ़िया मस्त स्मार्ट होके। और गाइस, मेरे बाल सुबह सुबह थोड़े से बिखरे हुए होंगे तो चिढ़ाइएगा मत मेरे को। तो अभी चलते हैं नीचे और नहा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये है मेरा प्यारा सा भतीजा। हेलो गाइस, कहते हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक से बोल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कहता है। अपने बाल तो दिखा दे, हीरो वाले बाल, हीरो हीरो वाले बाल, ऐसे कर, ऐसे ऊपर को कर बालों को, हीरो। और दिखा ना मेरे को, ले भी देख देख। सो गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, और मैंने नाश्ता भी कर लिया, और अभी मुझे जाना है गाइज मयंक भाई की शॉप में, क्योंकि मयंक भाई की शॉप में गाइज ड्राई फिट टी शर्ट है, तो जो मुझे साइकिलिंग के लिए चाहिए काफ़ी, क्योंकि मेरे जो अभी आने वाले व्लॉग्स हैं गाइज वो आपको साइकिलिंग में मिलेंगे, यानी कि मैं पहाड़ों की तरफ जाने की सोच रहा हूँ साइकिल से, तो उसके लिए मुझे ड्राई फिट की बहुत ज़रूरत रहेगी गाइज। अब रुक जाओ, तो मुझे ड्राई फिट की काफ़ी ज़रूरत रहेगी गाइज, तो मैं ड्राई फिट लेने जा रहा हूँ। अगर मयंक भाई के वहाँ कोई पीस पड़ा होगा तो मैं उनसे परचेज करूँगा। और ये देखो यार, ये दोनों ना मतलब आवाज़ सुनते ही आ जाते हैं। कहाँ से यार, खाना खा लिया? खाना खा लिया उन्होंने? पार्ट तो खाना खाया, पार्ट ने खा लिया, वेरी गुड। तो गाइस चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको सीधे मयंक भाई की शॉप में, और अगर कोई टी शर्ट आई होगी ड्राई फिट की तो मैं लूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आया हुआ हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ पर मुखानी के पास है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है साईं हॉस्पिटल। तो गाइज़ यहाँ मैं छत पे आया, बात कर रहा था फ़ोन पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा व्यू दिखा हल्द्वानी सिटी का, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करा जाए। और यार यहाँ से सारी जो बिल्डिंग्स हैं ना और घर हैं पूरे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा एरिया कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ से, गौर कर रहा हूँ कि वो चीज़ कौन सी है, वो चीज़ कौन सी है, होता ना कन्फ्यूज़न टाइप का। तो गाइज़ फर्स्ट टाइम मैं इतनी ऊँची बिल्डिंग में आया हूँ हल्द्वानी की, वैसे एक मंजिला दो मंजिला में तो मैं गया हूँ, लेकिन हल्द्वानी की मेन सिटी में इतनी बड़ी बिल्डिंग में आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं भी आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा व्यू है। यह है मुखानी चौराहे वाली रोड, जो नीचे क्या कहते हैं सुशीला हॉस्पिटल की तरफ को जाती है, सुशीला तिवाड़ी, और यहाँ पर है गाइस मुखानी चौराया। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते गाइस, नीचे जो आपको दिख रहा है ये मुखानी चौराया है, और ये ऊपर जाती है पानी की टंकी की तरफ सीधे हाइड्रिल काडू दाम को रोड। और यहाँ से गाइस आप मकान देखेंगे तो काफ़ी दूर जो दमाडुंगा के पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए घर हैं वो भी साफ मुझे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे में आपको उतना नहीं दिख रहे होंगे। और पूरा इधर को कालाडुंगी रोड और दमाडुंगा का एरिया, चौफला का एरिया सब दिख रहा है गाइस, बट आई थिंक आपको लिटरली आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कैमरे में बहुत क्लियर दिख रहा है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। और यहाँ से गाइस गोला पार्क का जो स्टेडियम है वो भी, उसकी जो ऊपर की जो छत है आपने देखा होगा, उसमें लोहे के जो रिंग्स वगैरह बने हैं वो भी यहाँ से क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं सकता गाइस, क्योंकि मैं जूम करूँगा तो इसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा।
तो गाइज काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, इतनी ऊंची बिल्डिंग से अपनी सिटी को देखना काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है आज का। तो यार वैसे गाइज मैं यहाँ आया तो किसी और काम से हूँ, मेरी जो एक रिलेटिव है मेरी वो एडमिट है तो उनको दिखाने आए हैं। तो तबीयत उनकी अब काफ़ी ठीक है पहले से, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब उन्हें एडमिट कर लिया है एक दिन के लिए, तो कल उनको आई थिंक डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं यहाँ ऊपर आया तो मुझे बहुत अच्छा व्यू दिखा, तो मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर कराया जाए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगेगा ये व्यू तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं चलता हूँ नीचे। सो गाइज अभी मैं बैठा हूँ लिफ्ट में, तो यार मज़ा आता था पहले जब छोटे थे, अब तो ऐसा लगता है कि कॉमन सी बात है, लेकिन अजीब सा लगता है जुम्म करके रुकती है। मुझे हो गई है शाम और शाम को काफ़ी और अच्छा व्यू दिख रहा है, तो मैं छत पे आ गया। फ़िलहाल थोड़ी देर बाद मैं अभी घर जाऊंगा गाइस, तो दादा लोगों का वेट चल रहा है, जैसे दादा लोग आ जाएंगे तो मैं जाऊंगा घर को। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ का व्यू, तो चलते हैं।